पापा का जो देखा हुआ चीज है, आज ये चीज इतनी शर्मनाक चीज थी कि आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय, प्रो कुलपति महोदय, हर एक पदाधिकारी आला अधिकारी यहाँ से पैदल मार्च करते हुए माला अर्पण किए हैं, इस चौरंगी पे आके माला अर्पण किए हैं। लेकिन उनको इतनी मानवता, इन लोगों में इतनी मानवता नहीं रह गई कि एक कर्मचारी पाल, इन्हीं के कर्मचारी पाल के बच्चे लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनको एक बार देखे, एक बार आके रुके और उनसे पूछे, इस ठंडी में आप धरना पे स्थल पे बैठे हो, 36वां दिन आप लोग बैठे हो, इतनी मानवता नहीं है। मुझे तो ये चीज से आश्चर्य क्या, मुझे तो शर्म होती है, मुझे इस चीज से बहुत बुरा लग रहा है कि आज आप कर्मचारी, आपके कर्मचारी के पाल बच्चे लोग बैठे हैं और उनको आप देख बाजू से गुजर गए हैं और एक बार आपने देखना तक उचित ना समझा, पूछना तक उचित नहीं समझा। आगे की ये पूर्वोत्सव महोत्सव खत्म होने के बाद, ये 3-4 दिन का महोत्सव है, ये खत्म होने के बाद अब हम लोग आमरण अनशन पे बैठने का फैसला कर रहे हैं, भूख हड़ताल हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? राघव कुमार दीपक। 36वें दिन आप लोगों ने प्रधान सचिव का घेराव किया है, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? प्रधान सचिव को हम लोग घेराव नहीं करके एक ज्ञापन सौंपे। सबसे पहली बात मैं आज सुबह का बता दूं कि 10 बजे जब हम लोग धरना स्थल पर आए तो कुल सचिव महोदय दो कर्मचारी को भेज करके हम लोगों को, दो आदमी को यहाँ से बुलाया गया। वहाँ जाने के बाद हम लोग सोचे जो वार्ता के लिए बुला रहे हैं, लेकिन वैसे ही कुमकर्णी निद्रा में सोए हुए हैं। लेकिन वो उनको हम लोगों का जो दुख है, हम लोगों का जो पीड़ा है, उससे अवगत नहीं था। अवगत ये सिर्फ उनको ये कहना था कि आप लोग जो माइक का यूज करते हैं वो यूज ना करें। और यही बोले कि कुल सचिव महोदय, राज्यपाल का प्रधान सचिव जो आ रहे हैं, उतना देर के लिए आप लोग वहाँ से हट जाइए और फिर बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उनको ये, और इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि जब राज्यपाल का प्रधान महासचिव यहाँ आ रहे हैं तो मैं एक ज्ञापन उनको भी दे दूं। इससे पहले उनके यहाँ हम लोग बाय पोस्ट ज्ञापन भेज चुका था। तो उन्होंने क्या कहा बात करने पर? कहे हैं कि देखते हैं, बात करते हैं जी। बस यही। इसके बाद आप लोगों का कदम आगे? आगे कदम यही है कि अभी मतलब देख रहे हैं विश्वविद्यालय का रवैया, पूर्वोत्सव जो है वो 2-3 दिनों का है, उसके बाद अगला कदम हम लोग निर्णय लेंगे, सामूहिक विचार करते हैं। 36वां दिन है आज जी, जी आप लोगों का जी, आगे 36 दिन से कुमकर्णी नींद में सोई प्रशासन, क्या उम्मीद है कि 37वें दिन जाग जाएगी, कोई अगली कार्रवाई? ये 36वां ही दिन नहीं है, विगत 5 वर्षों से इस कार्यालय से उस कार्यालय तक हम लोगों ने चक्कर लगाया है, और यहाँ तक कि परिवार की माली हालत ऐसी हो गई कि कुछ लोग चाय का दुकान खोल लिए, कुछ लोग पान का दुकान कर लिए, और विवश होकर के ये 36 दिन, ये 36 ही दिन नहीं है, 5 वर्ष 36 दिन इसको मानिए। और ऐसा आंदोलन हम लोग करते आ रहे हैं, लगता है विश्वविद्यालय अगर अपना हठीपूर्ण रवैया से नहीं हटती है तो अगला कदम हम लोगों का आमरण अनशन की ओर भी बढ़ सकता है, या और विश्वविद्यालय बंद कराने का भी हम लोग निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि जो कर्मचारी संघ का जो कहना है कि आप लोग आगे बढ़े, कदम से कदम मिला के हम लोग साथ चल रहे हैं। नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार हुआ। पूरी करो, भूकंप की बहाल करना होगा, करना होगा, करना होगा, समिति की बैठक अविलंब बुलाओ, अविलंब करो।